सत्कार जो गुरु प्यारे खालसा जी जो ढाडी जथे दी फतेह प्रमाण करो आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। पंजाबी दे महान शायर करतार सिंह जी बलगण ने चंद को सत्रां लिखियां ने उन्हां लोकां दी मंजिल दा राह सिद्धा वल जिन्हां नूं आया शहीदियां दा ओ है कौम पूंजीदार जिंदगी दी जिहदे कोल सरमाया शहीदियां दा ओ मिलदे मौत नूं गली जो हार पाके जीवन विच नहीं उन्हां दी हार वेखी झोली जिहदी शहीदां दे फुल बहुते ओसे कौम दे बागी बहार वेखी। सतकार जो खालसा जीओ सिख कौम शहीदां दी खाण है सिख इतिहास शहादतां और कुर्बानियां नाल भरिया पिया है। सिख हिस्ट्री दे हर पन्ने ते अनोखे शहीद दी अनोखी कुर्बानी मिलेगी। कलगीधर पिता जी ने इस कौम दे प्रमानियां नूं अमृत दी शक्ति दे के ऐसी पान चाढ़ी के एक खालसे मौत राणी नूं पैर दी जुत्ती समझ के लतार लगे जिंदगी और मौत नूं एक प्लेट फार्म ते खड़ी करके बराबर दा हक दे दिता। मौत जिंदगी विच ना फर्क कोई जिंदगी मौत जो खालसे टोलदे ने फड़ के धर्म दी तेग तलवार जोधे वैरी नूं चुण चुण मिट्टी च रोलदे ने तकड़ी सिंघां दी हक ते सच दीए फल पापां दा जाबर नूं तोलदे ने जुल्म करना नहीं ते जुल्म सहना भी नहीं सच कोकरी चमकारिया बोलदे ने। सिख कौम जुझारुआं दी कौम है इन्हां अणखी बहादुरां दी अनमोल माला विच्चों संगतां दे सनमुख सिख धर्म दे हीरे जुझारू जोड़ियां नूं पेश करन दा जतन कर रहे हां। समय समय ते जालम सरकारां ने सिख कौम ते बेतहाशा जुल्म इस कौम नूं खत्म करन लई कीते। सिर्फ सिखां नूं ही निशाना नहीं बनाया गया सिख कौम दे पावन गुरधामां दी भी बेअदबी कीती गई। पापी मस्से रंगड़ ने चक्रिया खान दे हुक्म नाल श्री दरबार साहिब उत्ते कब्जा कर लिया मिट्टी पा के सरोवर नूं पूरना शुरू कर दिता। मुजरे होने शुरू हो गए शराबां अते कबाबां दा दौर चल पिया। मस्सा रंगड़ हर मंदिर साहिब च पलंग डा के बैठ गया। जद यह बेअदबी हुंदी देखी तां गुरु के सिंह भाई बुलाका सिंह ने यह खबर बुढ़ा जौड़ पहुंच के खालसिया नूं सुनाई है। अणखी प्रमानियां विच्चों दो मर जीवड़े भाई सुखा सिंह अते भाई महताब सिंह जालम नूं सोधण लई बीकानेर दी धरती विच्चों श्री अमृतसर साहिब नूं रवाना होए। पहुंच के श्री दरबार साहिब अमृतसर बना